वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आइलैंड्स ऑफ इंडिया की, यानी कि भारत के द्वीपों की। तो दो मेन द्वीप आप जानते हैं, मेन आइलैंड्स आप जानते हैं, एक है अंडमान या निकोबार आइलैंड और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड। तो इसकी जल्दी से लोकेशन देख लेते हैं, और ये देखने के लिए हम पहले बनाते हैं अपना प्यारा सा भारत। So, इस अरेबियन सी में पड़ता है लक्षद्वीप आइलैंड। अब आपको एक चीज मैं बताऊं, जो इंडिया का जो सबसे सदर्न पॉइंट है, जिसे कन्याकुमारी नाम से हम जानते हैं, ये लोकेटेड है 8 degree 4 नॉर्थ लैटिट्यूड पर। ओके, सो यानी कि कहने का मतलब एक जो लैटिट्यूडनल लाइन जाती है यहां से, ठीक है, तो ये जो सदर्न पॉइंट है इसका कन्याकुमारी 8 degree 4 से होके गुजरती है। इसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और आपको पता है इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि 23.5 degree से होके ऐसे गुजरती है इंडिया के बीच से, मध्य प्रदेश गुजरात से उगते हुए, ठीक है। सो नीचे वाला जो है इक्वेटर पड़ता है 0 degree 0 degree के ऊपर आते हैं 8 degree 4 north। सो 8 degree 4 north के नीचे जो वाली लाइन, जहां से हम ये स्टार्ट करते हैं इमेजनरी लाइंस, ठीक है, तो 0 degree होती है इक्वेटर की। 0 degree से ऊपर आते हैं 1 degree 2 degree 3 degree 4 degree 5 degree 6 degree 4 पे, ये इंपॉर्टेंट है 6 degree 4, यानी कि इस इक्वेटर वाली लाइन से नीचे 7 degree 4 6 degree यहां पे कहीं है, यहां से हमारा शुरू हो जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आप नाम से देख रहे हैं अंडमान एंड निकोबार, तो ये दोनों सेपरेट आइलैंड्स है। एक तो अंडमान आइलैंड हो गया और दूसरा निकोबार आइलैंड हो गया। अंडमान जो है ये 4 portion में डिवाइड है। सबसे ऊपर जो है, यानी कि हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ऐसे जो मेन है, ऐसे तो बहुत सारे हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में, करीबन 572 प्लस, यानी कि 572 से भी ज़्यादा ऐसे छोटे स्मॉल आइलैंड्स हैं, यानी कि टापू जिन्हें हम बोलते हैं। सो जो मेन 4 जो इम्पोर्टेंट है वो है अंडमान आइलैंड के 4 हैं, जैसे कि सबसे ऊपर आ जाता है इस पे नॉर्थ अंडमान, फिर नॉर्थ अंडमान के नीचे एक और मेन आइलैंड है, इसे बोलते हैं मिडिल अंडमान। उसके बाद यहाँ पे साउथ में जो है साउथ अंडमान, और फिर सबसे अंडमान, ये अभी अंडमान आइलैंड की बात चल रही, इसके नीचे निकोबार आइलैंड आएगा, तो ये जो सबसे साउथ में है इसे बोलते हैं लिटिल अंडमान। ओके, तो ये 4 आइलैंड हो गए अंडमान आइलैंड के मेन आइलैंड्स। अब देखते हैं निकोबार आइलैंड के पोर्शन, तो यहां पे से बेसिकली ये 8 degree है, 9 degree 10 degree, ये ऐसे करके यहां से जो लैटिट्यूडनल लाइन जाती है ना, इसे बोलते हैं 10 degree, और ये थोड़ा डायग्राम मैंने थोड़ा नीचे बना दिया, इसको आप थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करके यहां पे रख दीजिएगा, तो यहां से जो लाइन जाती है ऐसे करके, ठीक है, इमेजिन कर लीजिएगा, ये वाला जो 4 के 4 जो पोर्शन है, जो अंडमान जो मेन आइलैंड है 10 degree के ऊपर पड़ता है यहां पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके पड़ता है, और जो नीचे इस 10 degree के जो नीचे पड़ता है उसको बोलते हैं हम निकोबार आइलैंड। तो फॉर द टाइम बीइंग अभी हम इसे यहाँ पे सेपरेट देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से ये जो 10 degree लाइन है मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये है हमारी 10 degree लाइन, यानी कि लैटिट्यूडनल लाइन। इसके नीचे पड़ जाता है निकोबार आइलैंड्स, ये हो गए निकोबार आइलैंड्स। ओके, इस निकोबार आइलैंड के भी जो है 3 parts में इसे हम डिवाइड कर देते हैं। सबसे जो ऊपर वाला जो आइलैंड है, जो मेन आइलैंड है, ठीक है, ऐसे तो मैंने आपको बोला 572 से भी ज्यादा आइलैंड्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और बड़े बड़े हैं उनमें से 4 तो हमने देखे अंडमान में आ गए, और जो है बाकी के 3 आते हैं नीचे निकोबार वाले ग्रुप में, निकोबार वाले ग्रुप में। तो निकोबार में 3 आ गए, जो निकोबार का सबसे ऊपर नॉर्दर्न वाला आइलैंड है उसे बोलते हैं कार निकोबार। फिर यहाँ पे कार निकोबार के नीचे आता है बीच में, इसे बोलते हैं मिडिल निकोबार, और ये साउथ में जो
एकदम दिख रहा है, इसे बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ओके, आई होप कि आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो चलिए मैं थोड़ी देर में इसे अलग से सेपरेट से बता दूंगा, लेकिन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि इन दोनों अंडमान एंड निकोबार को जो आपस में सेपरेट करता है, ये वाली जो लाइन है, इसे बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, ठीक। और इस निकोबार आइलैंड का जो सबसे सदर्न पोर्शन है, जो कि ग्रेट निकोबार के भी साउथ में पड़ता है, उसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और इसका लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है 6 डिग्री 4 नॉर्थ। इसे बोलते हैं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, यानी कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ये है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार के भी साउथ में पड़ता है और आता है इंडियन टेरिटरी के अंदर ही है। और मैं आपको अगर बताऊं, जो ये जो आइलैंड्स हैं, इनका जो फॉर्मेशन हुआ है, ये वॉल्केनिक इरप्शन द्वारा फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि वॉल्केनो जब इरप्ट होते हैं, ठीक है, तो एक लैंडमास बना देते हैं, है ना। तो वही लैंडमास ये क्या है, ये आइलैंड्स हैं। तो चलिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को एकदम बड़े दायरे में देखते हैं। ये मैंने आपको चार आइलैंड बताए थे अंडमान ग्रुप के। अंडमान के नीचे आ गया था हमारा निकोबार आइलैंड्स, इसमें मैंने आपको तीन इंपॉर्टेंट आइलैंड्स बताए थे, ठीक है। और हमने आपको ये भी बताया था कि ये अंडमान और निकोबार आइलैंड को जो आपस में सेपरेट करता है चैनल, इसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। सो अंडमान का जो सबसे नॉर्थ वाला जो आइलैंड है, इसको बोलते हैं नॉर्थ आइलैंड। फिर इसके नीचे जो पोर्शन पड़ता है, इसे बोलते हैं मिडल मिडल अंडमान, है ना। ऐसे करके आप बोल सकते हैं मिडल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, और जो इसके मिडल अंडमान के जो नीचे पोर्शन पड़ रहा है, इसको बोलते हैं साउथ अंडमान। और साउथ अंडमान के नीचे एक पोर्शन पड़ता है, इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। आई होप कि इतनी सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। अब चलते हैं निकोबार आइलैंड ग्रुप में। निकोबार आइलैंड के जो सबसे नॉर्थ में पड़ता है, उसको बोलते हैं कार निकोबार। ओके, कार निकोबार आइलैंड। फिर दो और हैं, एक इसके नीचे कार निकोबार के नीचे, इसे बोलते हैं लिटिल निकोबार, और इसे बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ये दोनों ही मिलके बनाते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और इन पूरे आइलैंड में, ये तो मेन मेन आइलैंड्स है, और भी अदर आइलैंड्स हैं जिनकी संख्या जो अगर गिनने जाओगे तो मोर देन 572 आइलैंड्स, स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स। अब यहां पर मैं एक टर्म लिखने जा रहा हूं, आर्कियोप्लेगो। ये क्या है? ये होता है जो द्वीपों का समूह होता है ना, उसी को बोलते हैं आर्कियोप्लेगो, जैसे इंडोनेशियन आर्कियोप्लेगो, ठीक है। तो ऐसे ही आप अंडमान एंड निकोबार आर्कियोप्लेगो भी बोल सकते हैं, यानी कि एक ऐसा लैंड पोर्शन जिसे हम जानते तो एक नेम से हैं, लेकिन उसमें अगर डीपली जाएं तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आपको आइलैंड्स दिखेंगे। तो आई होप कि ये अंडमान एंड निकोबार वाला कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक चीज इसमें और मैं आपको बताऊं कि इस ग्रेटर निकोबार वाला जो है, इसका जो सबसे सदर्न पॉइंट है, इसको हम इंदिरा पॉइंट नाम से जानते हैं, और ये है 6 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड पे। इसी पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। द सदर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ इंडिया इफ वी इंक्लूड आइलैंड ऑल्सो। और अगर मेन लैंडमार्क की बात करें तो कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 पर है। तो इतनी सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आपने देखा कि अंडमान और निकोबार को जो चैनल सेपरेट करता है, उसे 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। तो वैसे ही अगर आप लक्षद्वीप आइलैंड की तरफ अपना रुख मोड़ें, तो ये हमने तो मान लिया भाई ये जा रही है 10 डिग्री चैनल, ठीक है, क्योंकि नीचे 8 डिग्री 4 है। अब इसी के नीचे से 9 डिग्री चैनल भी तो जाएगी, है ना, 8 डिग्री 4 के ऊपर और 10 डिग्री के नीचे। तो ये जो 9 डिग्री है, इम्पोर्टेंट हो जाती है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, लक्षद्वीप की अगर बात कर रहे हैं। तो देखिए लक्षद्वीप में आपको मैं बताऊं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने देखा था मोर देन 572 प्लस आइलैंड्स थे, लेकिन लक्षद्वीप में इन द्वीपों की संख्या कम होकर
अराउंड 36 हो जाती है, यानी कि 36 के आसपास यहाँ पर आइलैंड्स है छोटे छोटे। इनमें से भी जो मेन पोर्शन है ये तो हो गया लक्षद्वीप का, जो मेन पोर्शन हो गया लक्षद्वीप के नीचे एक और पोर्शन आता है जो यहाँ की लक्षद्वीप की कैपिटल भी है, जिसे हम बोलते हैं कावरती। ओके, ये आता लक्षद्वीप के अंदर ही है सारा। तो इस कावरती को इस मेन लक्षद्वीप आइलैंड से जो चैनल सेपरेट करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ये 10 डिग्री चैनल थोड़ा ऊपर बना लीजिएगा, यहाँ पे 9 डिग्री चैनल, यानी कि 9 डिग्री चैनल जो है ये सेपरेट करता है लक्षद्वीप आइलैंड को इसके जो सदर्न पोर्शन है लक्षद्वीप का कावरती से। कावरती है लक्षद्वीप का ही पोर्शन, लेकिन सेपरेट होता है एक वाटर बॉडी से, उस वाटर बॉडी को बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। सो इसको यहां पर देखते हैं, ये हो गया आपका मेन लक्षद्वीप आइलैंड 8 डिग्री 4 से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो ये हो गया 9 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 9 डिग्री। तो इस 9 डिग्री से सेपरेट हो रहा है ये कावरती, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो आई होप कि आप इतना तो समझ गए होंगे अच्छे से क्या चीज कहां पर है, कौन सा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, कौन सा चैनल किसको सेपरेट करता है। तो अब कुछ रिटन पार्ट लिख लेते हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है फ्रॉम एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो बात करेंगे पहले अंडामान एंड निकोबार आइलैंड्स की। दीस आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ सबमर्ज माउंटेन्स इन सी, ओके, एंड सम पार्ट ऑफ दीस आइलैंड्स, अंडामान एंड निकोबार आइलैंड के कुछ पार्ट्स जो हैं आर द रिजल्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। टेन डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडामान फ्रॉम निकोबार आइलैंड्स। अंडामान आइलैंड इज ग्रुप ऑफ 4 मेन आइलैंड्स। नॉर्थ अंडामान, सेकेंड इज मिडिल अंडामान, थर्ड इज साउथ अंडामान एंड फोर्थ वन इज लिटिल अंडामान। And if we talk about Nicobar Islands, so Nicobar is group of 3 main islands. First is Kar Nicobar. Second is Little Nicobar. And third is Great Nicobar. Okay? अब आपने पोर्ट ब्लेयर का नाम तो सुना ही होगा। सो जो पोर्ट ब्लेयर है पूरे अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है वो इस साउथ अंडमान पर है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर इन साउथ अंडमान। और इसी साउथ अंडमान पर यहां पर पोर्ट ब्लेयर में है सेल्यूलर जेल, काला पानी की सजा जहां पर होती थी तो वो जेल यहीं पर है। अब सोचिए कि ये क्यों यहां पर इसे बोलते थे कि काला पानी की सजा हो गई है, तो आप लोकेशन देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला पोर्शन है, ठीक है, और ये इधर भी पानी, उधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी। अगर मैं आपको यहां पे छोड़ दूं तो क्या आप आ सकते हैं यहां से बच के, कहां जाएंगे, तो ये चीज पॉसिबल है ही नहीं। सो आप लिखिए पोर्ट ब्लेयर कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड is situated in South Andaman Island. Okay. And apart from this, in this Port Blair, cellular jail is situated here. Indra Point is the extreme southern position in the entire island and it lies in 6 degree 4 north latitude. There are
मोर देन 572 आइलैंड्स इन द एंटायर आइलैंड ग्रुप। इन द एंटायर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। अब देखिए मेन माउंटेन पीक्स ऑफ दीज आइलैंड। अब कुछ पहाड़ कुछ पर्वत भी तो होंगे ना इस लैंड सरफेस पे, अगर जमीन है तो भाई यहाँ पे कुछ ऐसे पर्वत श्रेणियां भी तो आपको दिखेंगी। उतनी ऊंची नहीं होंगी हिमालय जितनी ऊंची 8848 मीटर, बट है तो सही। सो मेन माउंटेन पीक्स ऑफ दीज आइलैंड ग्रुप, सबसे जो हाईएस्ट पीक है ये है सैडल पीक। इसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है, पूरे इस यानी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप की जो सबसे सेकंड हाईएस्ट पीक है, इसको बोलते हैं माउंट थुलर। इनकी अगर मैं हाइट की बात करूं तो सैडल पीक की हाइट आपको दिखेगी 738 मीटर्स। वहीं पे माउंट थुलर की अगर आपको हाइट की मैं बात करूं तो ये है 642 मीटर, मेकिंग इट द सेकंड लार्जेस्ट पीक ऑफ दिस एंटायर आइलैंड ग्रुप। अब इनकी लोकेशन की मैं अगर बात करूं तो सैडल पीक जो है ये है नॉर्थ अंडमान में, और माउंट थुलर की अगर मैं बात करूं तो ये अंडमान वाले ग्रुप में ना होके नीचे निकोबार वाला जो पोर्शन है उस पर है, और निकोबार के भी कहां पर, ग्रेट निकोबार जो सबसे सदर्न पोर्शन है, ठीक है। अब दो पीक की और बात कर लेते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक है यहां की, इसको बोलते हैं माउंट डियोवोली। और इसकी हाइट है 515 मीटर्स, और ये लोकेटेड है मिडल अंडमान में। सॉरी ये 15 लिखना चाह रहा था मैं, 51 हो गया, 515 ये है मिडल अंडमान पर। उसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पीक है यहां की, माउंट कोयोप, इसकी अगर हाइट की मैं बात करूं तो ये है 460 मीटर्स, और ये जो है माउंट कोयोप दिस इज लोकेटेड इन साउथ अंडमान, यानी कि लिटिल अंडमान के ऊपर वाला पोर्शन है ना, जहां पर सेलुलर जेल भी एस्टैब्लिश्ड है। ओके, अब इसके यहां पर आप ये पोर्शन देख रहे हो, ये है वेस्ट बंगाल, इधर बांग्लादेश, और यहां पे आपको मालूम है म्यांमार पड़ जाता है। म्यांमार का ही एक पार्ट है, आइलैंड पार्ट है, यानी कि समुद्र में इसका म्यांमार का एक टेरिटरी पड़ती है, इसको बोलते हैं कोको आइलैंड। ओके, ये है कोको आइलैंड, यानी कि अंडमान एंड निकोबार की जस्ट ऊपर अगर आपको एक आइलैंड दिखेगा वो है कोको आइलैंड, जो किसका पार्ट है, हमारी कंट्री का तो पार्ट है नहीं, तो ये म्यांमार का पार्ट है। और इसके नीचे अपना जो है अंडमान निकोबार वाला ग्रुप शुरू हो जाता है। तो इसको कोको आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड को जो सेपरेट करता है उसको हम बोलते हैं कोको स्ट्रेट। सो आप लिखेंगे कि कोको आइलैंड विच इज अ पार्ट ऑफ म्यांमार इज सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थ अंडमान बाय कोको स्ट्रेट, यानी कि कोको जल संधि। तो अब आप थोड़ा यहां पर फोकस कीजिए, ये है साउथ अंडमान और ये है लिटिल अंडमान, ठीक है, ये साउथ अंडमान और ये लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच को जो चीज सेपरेट करती है इसको बोलते हैं हम ड्यूकन पास। ओके, सो ड्यूकन पास सेपरेट साउथ अंडमान फ्रॉम लिटिल अंडमान।
अब आप मुझे सच्ची सच्ची बताइए, आपने इस आइलैंड का नाम सुना है? बैरन। ये कहां पर लोकेटेड है मालूम है आपको? और ये है क्या, ये भी मालूम है आपको? तो ये जो आपको दिख रहा है मिडल अंडमान, इसके ईस्ट में यानी कि इसके पूर्व की तरफ एक और आइलैंड पड़ता है, उसे हम बोलते हैं बैरन आइलैंड। ठीक है, ये इंडिया का ही पोर्शन है और ये इसलिए फेमस है, भारत का एकमात्र सक्री ज्वालामुखी है। ठीक है, सक्री ज्वालामुखी, ये है बैरन आइलैंड यानी कि एक्टिव वॉल्केनो। अब नॉर्थ अंडमान में आप जाएंगे तो ऊपर वाले पोर्शन के भी थोड़ा पूरब में आपको एक और आइलैंड दिखेगा। इस आइलैंड का नाम है नारकोंडम। नारकोंडम, अब एक तो हो गया भाई एक्टिव वॉल्केनो यानी बैरन, और ये जो दूसरा है नारकोंडम, ये है डोरमेंट वॉल्केनो यानी कि सुसुप्त। ओके, अब आप सच्ची सच्ची बताइए, आपको 8°4 तो मालूम है कहां पर है, है ना? 8°4 के ऊपर है 6°, मतलब 8°4 के नीचे है 6°, और ये जो 6° चैनल है, जैसे मैंने आपको बताया था 6°4 पर, यहां पर जो मैंने पोर्शन बताया था, ये वाला जो पोर्शन हो गया ग्रेट निकोबार, ये है 6°4। यहां पे पॉइंट है इंदिरा पॉइंट यानी कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। इसके थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको 6° वाली लाइन दिखेगी। अब ये 6° वाली जो लाइन है, ये पूरे पूरे अंडमान है निकोबार आइलैंड को सेपरेट करती है सुमात्रा से। सुमात्रा किसका पार्ट है? ये है इंडोनेशिया का। ओके, तो सुमात्रा से जो चीज सेपरेट करती है इंडियन टेरिटरी को यानी कि अंडमान है निकोबार को यानी कि बेसिकली ग्रेट निकोबार को, तो वो है 6° चैनल। तो अभी तक आपने 6° चैनल देख लिया, आपने 8° चैनल देख लिया, है ना, आपने 10° भी देख लिया। तो ये तीनों आपने देखे तो क्या आपको याद भी है? तो 8° की बात करें तो जो लक्षद्वीप का पोर्शन मैंने बताया था साउथ वाला, इसे बोलते हैं मिनिकॉय। मिनिकॉय को जो सेपरेट करता है मालदीव से, ठीक है, तो वो जो चैनल है वो है 8°। 10° की अगर बात करें तो अंडमान आइलैंड को जो निकोबार से सेपरेट करता है उसको बोलते हैं 10° और 6°। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को जो आपस में सेपरेट करता है वो है 6° चैनल, और सुमात्रा किसका पार्ट है? इंडोनेशिया का, और ग्रेट निकोबार किसका पार्ट है? इंडिया का यानी कि अंडमान निकोबार। तो इट सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार फ्रॉम इंडोनेशिया। अंडमान निकोबार का कौन सा पोर्शन? ग्रेट निकोबार। और इंडोनेशिया का कौन सा पोर्शन? सुमात्रा, है ना। तो सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को आपस में सेपरेट करता है 6° चैनल। 10 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 9° चैनल क्या करता है भाई? अगर आपने अच्छे से वीडियो अभी तक देखी आपको समझ में आया होगा और बता भी सकते हैं। ये करता है कावर्ती को मिनिकॉय से सेपरेट, दोनों ही पार्ट हैं लक्षद्वीप के, ठीक है, बीच से 9° चैनल होके गुजरती है। कावर्ती जो है मेन लक्षद्वीप में आ जाता है, मिनिकॉय इसका लक्षद्वीप का सदर्न पोर्शन है। ठीक है, तो बैरन आइलैंड की लोकेशन भी मैंने आपको दिखा दी है, और एक और आइलैंड मैंने आपको बताया था नारकोंडम। तो बैरन आइलैंड बेसिकली क्या है? इट इज अ एक्टिव वॉल्केनो। और ये क्या है नारकोंडम? डोरमेंट वॉल्केनो।
अब ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे बताएं कमेंट पे कि एक्टिव वॉल्केनो और डोरमेंट वॉल्केनो में क्या डिफरेंस है भाई। हिंदी में मैंने आपको नाम बता ही दिया था, सक्रिय ज्वालामुखी, और ये है सुसुप्त ज्वालामुखी। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था जो 6 डिग्री चैनल है वो सेपरेट करता है किनको, ग्रेट निकोबार फ्रॉम सुमात्रा आइलैंड। सुमात्रा किसका पार्ट है? सुमात्रा इज पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। और यही जो ग्रेट निकोबार है यही सबसे ज्यादा पास पड़ता है इंडोनेशिया के ज्योग्राफिकली। और मैंने एक पॉइंट बताया था आपको 6 डिग्री 4 पर, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये जो है सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोल लेते हैं। लेकिन एक बुरी खबर इस आइलैंड के बारे में ये है कि 2004 में जब यहाँ पे सुनामी आई थी तो उस सुनामी के चलते ये वाला जो पोर्शन है इट इज नाउ सबमर्स्ड, इट इज नाउ नो मोर, पानी में डूब गया, विलुप्त हो गया। अब बात करें यहाँ की मेजर ट्राइब्स की, यानी कि ट्राइबल पीपल जनजाति लोग जो हैं यहाँ पे, सो ये आपने नाम सुना होगा जारावा। हाँ आपने सुना होगा सांपीन, आपने सुना होगा सेंटिल्स, सेंटिनल्स, है ना। तो इनमें से भी जो आपको मैं बताऊं, ये जो याले जनजाति वाले लोग हैं सैमपेंच, ये मतलब ये सारे के सारे जितने जनजाति काफी पिछड़े हैं, दे लिव इन देयर प्रिमिटिव स्टेज। आज से जो हम 200 साल पहले जीते थे जिंदगी बिना मोबाइल बिना किसी चीज के, ठीक है, तो ऐसी जिंदगी ये जीते हैं प्रिमिटिव स्टेज। लेकिन थोड़ा सा जो है चेंज हमें 2014 में देखने के लिए मिला है, जो यहाँ पे ये जनजाति है सांपेन, सांपेन जनजाति 2014 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे यहाँ पर फर्स्ट टाइम इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है, अपना मतदान दिया है, ठीक है, सांपेन लोगों ने। अब इन सब आइलैंड को आपने देखा, ये मेजर ट्राइब्स देखी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, आपने जो है एक आइलैंड का नाम और सुना होगा, आजकल प्रचलन में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो है 2018 में नाम चेंज हुआ है और नेम चेंज हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। इससे पहले ये नेम क्या था क्या आपको मालूम है? इससे पहले ये नेम था रोस द्वीप या रोस आइलैंड, ठीक है, इट चेंज टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड इन 2018। और साथ में 2018 में और क्या चेंज हुए, एक नील द्वीप था नील आइलैंड, इसका भी नाम चेंज होके हो गया है शहीद आइलैंड, शहीद द्वीप। ओके, एक और आइलैंड है जिसका नाम चेंज हुआ है, वो है हेवलॉक द्वीप, यानी कि हेवलॉक आइलैंड। और ये जो नेम चेंज तो हुआ है, ये कहां से नेम चेंज होके अब क्या हो गया है, इसका नाम हो गया स्वराज आइलैंड। ओके, तो ये सारी चर्चा हमने की है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में। अब जल्दी से लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही है आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो ये दो तो मेन अभी तक मैंने आपको आइलैंड्स बताए हैं, लक्षद्वीप और अंडमान, इसके बाद और भी बताएंगे। लोकेशन मैं आपको अच्छे से दिखाई चुका हूं, तो इनका फॉर्मेशन हुआ है, दे आर फॉर्म्ड बाय कोरल रीफ
अब ये आप लोग का होमवर्क है कि कोरल रीफ क्या होता है मुझे जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। लोकेशन आपको पता ही है, अरेबियन सी है ना, और अंडमान निकोबार किस में था, बे ऑफ बंगाल वाले पोर्शन में। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइलैंड 36 प्लस, बट 36 आइलैंड हैं जो अभी तक गिने जा चुके हैं। इन 36 आइलैंड में से सिर्फ 10 आइलैंड्स ऐसे हैं जो पॉपुलेटेड हैं, जहां पे आबादी बसी है, जहां पे लोग रहते हैं, यानी कि दे आर 10 आर इनहैबिटेड। ओके, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये साइड में मैं ड्रॉ करता हूं, लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। ये मैंने बनाया क्या, मिनी कॉय। यहाँ का जो एक और इम्पोर्टेंट है लक्षद्वीप का, ये है कावर्ती। तो ये हमारा पूरा बन गया लक्षद्वीप आइलैंड, ये है मिनी कॉय। ये है कावर्ती, कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। यहाँ पे आपको लक्षद्वीप के नीचे कंट्री देखने के लिए मिलती है, यानी कि आइलैंड देखने के लिए मिलता है, इसे बोलते हैं मालदीव्स। एक चैनल जो सेपरेट करता है इन दोनों को, उस चैनल का नाम है 9 डिग्री चैनल, नहीं 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल तो ऊपर है ना, जो मिनी कॉय और कावर्ती को सेपरेट करता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होती है। तो ये है 9 डिग्री चैनल। जैसे अंडमान है निकोबार आइलैंड को आपने देखा था 10 डिग्री चैनल सेपरेट कर रहा था, तो वैसे 9 डिग्री सेपरेट करता है लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप का जो साउथ में पार्ट है उसे बोलते हैं मिनिकॉय, और जो मेन आइलैंड्स हैं ये हो गए लक्षद्वीप वाला, और उसके साउथ में है कावर्ती। इन दोनों को सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल, और ये पूरे पूरे लक्षद्वीप आइलैंड को, यानी कि जो इंडिया का पार्ट है, इसको सेपरेट करता है मालदीव से, यानी कि मालदीव जो देश है, यानी कि जो आइलैंड है जिसकी कैपिटल माले है, ठीक है। इट्स अ फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, सो इसको सेपरेट करता है जो चैनल इन दोनों को, ये है 8 डिग्री चैनल। ओके, सो यहां पर आप मेरे द्वारा बताई गई सारी इंफॉर्मेशन मेंशन कर सकते हैं कि कावर्ती इज कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड एंड दिस कावर्ती इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल के नॉर्थ में ये है कावर्ती, लेकिन 9 डिग्री के नीचे क्या पड़ता है, टू द साउथ ऑफ 9 डिग्री चैनल देयर इज मिनी कॉय। ओके, अब इस मिनी कॉय के नीचे एक चैनल है, उसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। सो मालदीव्स इज सेपरेटेड फ्रॉम लक्षद्वीप बाय 8 डिग्री चैनल। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? सो 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनी कॉय फ्रॉम मालदीव्स, 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स मिनी कॉय फ्रॉम मालदीव्स। सो बात करते हैं कुछ अदर आइलैंड्स की, जैसे श्रीहरिकोटा, मजुली, दीव आइलैंड, बच्चर, एलिफेंटा, सालसेट, पंबन, एक है आपका व्हीलर आइलैंड, मतलब था पहले, अब इसका नाम चेंज हो गया है, इसका नाम चेंज होके हो गया है अब्दुल कलाम, जो कि हमारे पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर पड़ा है। मजुली आइलैंड जो कि असम पे लोकेटेड है, और ये एक ऐसा एकमात्र भारत का एक ऐसा आइलैंड है जो कि रिवर पे है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच पे ये आइलैंड है, ठीक है, काफी डेंसली पॉपुलेटेड है,
मजुली आइलैंड की मैं बात कर रहा हूँ। सो टोटल हमको 10 मेन आइलैंड्स देखने हैं, 2 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बाकी रहे ये 8, तो 1-on-1 इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे श्रीहरिकोटा की। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें, ये एक बैरियर आइलैंड है। बैरियर आइलैंड कहने का मतलब इस जो ये एक बैरियर की तरह काम करता है, क्योंकि इसके वेस्टर्न साइड पे यानी कि इस साइड पे यहाँ पे पड़ता है पुलिकट लेक, और इसके ईस्टर्न साइड पे यहाँ पे पड़ता है बे ऑफ बंगाल। तो ये बैरियर बन जाता है बे ऑफ बंगाल और पुलिकट लेक के बीच में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि इस जगह पर एक सेंटर लोकेटेड है, एक स्टेशन लोकेटेड है, और इस सेंटर का नाम है SDSC यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर। सो इट सेपरेट्स पुलिकट लेक फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा। और यहाँ पे जो चौथी पॉइंट है, पुलिकट जो लेक है ये आंध्र प्रदेश में है, मोस्ट ऑफ द 80% इसका पार्ट आंध्र प्रदेश में है, और 15-20% जो इसका पोर्शन है वो तमिलनाडु पर है, ठीक है। सो लोकेटेड इन दीज टू प्लेसेस, यहाँ पे आप जरूर लिख लीजिएगा, इट सेपरेट्स पुलिकट लेक फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, इसीलिए इसको बैरियर आइलैंड भी बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर जो है एक स्पेस रिसर्च सेंटर है ना, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर, और ये एकमात्र एक ऐसी जगह है जहां से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं स्पेस वगैरह के लिए। इंडियाज ओनली सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर क्या है, सतीश धवन। कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा। लोकेशन आंध्र प्रदेश में है, 80% तमिलनाडु, 20% कवर्ड। सो लोकेशन आपको इसकी दिखाऊं तो ये नीचे आपको तमिलनाडु स्टेट दिख रहा है, और ये ऊपर वाला इधर वाला आंध्र प्रदेश है, और इधर है ये आइलैंड्स श्रीहरिकोटा, और इधर ये पीछे लेक पड़ जाता है इसके वेस्टर्न तरफ, ठीक है। इस लेक को बोलते हैं लेक पुलिकट, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर है, और ये पुलिकट लेक की लोकेशन है, ठीक है। पुलिकट लेक कहाँ कहाँ पड़ती है, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु पे, ठीक है। तो ऐसे ये आइलैंड भी है। अब बात करते हैं मजुली आइलैंड की। तो देखिए ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर है और असम वाली एरिया में लोकेटेड है। अब इस रिवर पे जो है काफी ज्यादा मात्रा में पॉपुलेशन भी है, यहाँ पे लोग भी ठीक ठाक मात्रा में रहते हैं, और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी काफी हाई है, और ये भारत का एकमात्र रिवर आइलैंड है, ठीक है। और साथ में हम ये बोलेंगे कि मजुली इज द इंडियाज फर्स्ट रिवर आइलैंड, भारत का पहला एक ऐसा आइलैंड है जो कि रिवर पे है ना, और कौन सी, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। तो ये हमने देख लिया आपका मजुली आइलैंड। अब जल्दी से बात करेंगे दीव आइलैंड की। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट उससे अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का है, दीव ऐसे करके फेमस बीच है यहाँ के नगोवा और गोखाला, ठीक है। इंपॉर्टेंट बीचेस हैं यहाँ के नगोवा और गोखाला। बात करेंगे बचर की। तो ये प्रॉपरली जो है बचर आइलैंड, ये आ जाता है प्रॉपरली मुंबई में, मुंबई। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर आपको मालूम होना चाहिए, यहां पर है ऑयल टर्मिनल, ऑयल टर्मिनल। यहां पे क्रूड ऑयल स्टोर किया जाता है, ओके, कच्चा तेल। इसके लिए बड़े बड़े जो है रिजर्वायर बनाए गए हैं, टैंकर्स बनाए गए हैं, मतलब रिजर्वायर बनाए गए हैं, और उसके बाद जो है फिर इन रिजर्वायर्स में से टैंकर्स में इनको सेव किया जाता है, ऑफलोड किया जाता है टैंकर्स में छोटे छोटे, ठीक है। ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, सिर्फ पोर्ट अथॉरिटीज जो हैं वो यहाँ पे जा सकती है, यहाँ पे से तेल का निर्यात कर सकती है, अपने काम के लिए यूज में ला सकती है, पोर्ट अथॉरिटीज, ओके। और इस आइलैंड पे डेंस वेजिटेशन भी होती है, ठीक है, यानी कि आप जो अच्छी खासी हरियाली यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। अब यहाँ पे इंसानों का कोई हस्तक्षेप वगैरह तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन होगी इंसानों पे, तो वहां पे अच्छी खासा मात्रा में नेचर का आपको रंग दिखने के लिए लगेगा,
अब बात करते हैं एलिफेंटा आइलैंड्स की। तो जो आपने एलिफेंटा केव सुने हैं, पहली बात तो लोकेशन की बात करें इसकी, मुंबई हार्बर, ठीक है, वहां पर है। इट इज होम टू एलिफेंटा केव्स, ओके। एंड इट इज फोर्टिफाइड, ओके, फोर्टिफाइड बाय इंडियन नेवी, किलेबंदी की है यहाँ पे इंडियन नेवी ने। तो इतनी चीजें आई थिंक इसके लिए सफिशियंट है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। इंडियन नेवी, ओके, तो आपने देखा है मुंबई हार्बर पर लोकेटेड है, एलिफेंटा केव्स है यहाँ पर, एंड इट इज फोर्टिफाइड बाय इंडियन नेवी। यहां पर एक और आइलैंड आपको देखने के लिए मिलेगा छोटा सा, ओएस्टर आइलैंड, ओके। बात करते हैं पंबन आइलैंड की। जो पंबन आइलैंड है ये आपको दिख रहा है श्रीलंका और ये है इंडिया, तो इसके बीच में जो है ये आइलैंड पड़ता है। So this Pamban Island is a part of Adam Bridge. Adam बोल रहा हूं मैं, या ऐसे आप राम सेतु भी बोल सकते हैं, ठीक है, ज्यादा बेटर होगा आप राम सेतु बोलिए। अब देखिए ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में तो है, लेकिन यहाँ पे एक खाड़ी पड़ती है जिसे बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। So it is located in Gulf of Mannar. Okay. यहीं पर आपको रामेश्वरम दिखेगा, ठीक है, रामेश्वरम के बाद आपको धनुषकोडी दिखेगा, ठीक है, फिर यहां पे आपको राम सेतु दिखेगा जो कनेक्ट करता था श्रीलंका को, बट अब ये टूट चुका है, ठीक है। अब ये टूटा क्यों? क्योंकि ये मान्यता थी कि ये जो ब्रिज था एडम ब्रिज या राम सेतु जिसे बोलते थे, भगवान राम ने, लॉर्ड रामा क्रिएटेड दिस बाय द हेल्प ऑफ नल एंड नील, राइट, टू पर्संस वर देयर जो पानी में पत्थर फेंकते थे राम का नाम लेके, और वो पत्थर वहीं पे ब्रिज के फॉर्म में बदल जाते थे, ठीक है, तो वही पुराना वाला, ओके। तो अब ये है नहीं, अगर आपको जाना है तो आप यहां तक जा सकते थे, कहां तक अभी भी जाते हैं, ये जो धनुषकोडी जगह है रामेश्वरम के आगे, नहीं मतलब धनुषकोडी के आगे है रामेश्वरम, रामेश्वरम बाद में है, पहले धनुषकोडी फिर रामेश्वरम, ठीक है, और यहां से फिर यहां तक जो राम सेतु और ये श्रीलंका, ठीक है। तो इट इज लाइक दैट। सो पंबन आइलैंड हमने देख लिया, अब बचा व्हीलर आइलैंड जिसे नाम चेंज करके अब्दुल कलाम आइलैंड भी बोला गया है, और 2015 में ये नाम चेंज हो गया था, पहले व्हीलर आइलैंड था, अभी अब्दुल कलाम आइलैंड बोला जाने लगा है। ये व्हीलर आइलैंड रिवर ब्राह्मिनी में सिचुएटेड है, ओके। इट इज इंडियाज फर्स्ट मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर, फर्स्ट मिसाइल जो छोड़ी गई थी यहीं से छोड़ी गई थी। आपकी आपको लोकेशन नहीं बताई क्या मैंने इसकी अभी? फर्स्ट मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर, इसकी लोकेशन है गाइस उड़ीसा में, नियर उड़ीसा कोस्ट, अब जो पहली मिसाइल यहां से छोड़ी गई थी, तो पहली मिसाइल का नाम था पृथ्वी, पृथ्वी मिसाइल 1993 में, कब 1993 में यहां से छोड़ी गई थी, ओके, यानी कि फर्स्ट मिसाइल टेस्ट जो हुआ था 1993 में कंडक्ट हुआ था इस जगह पर, कहां पर? व्हीलर आइलैंड पे। अब आपने जो है श्री हरिकोटा देख लिया है, आपने मजूली आइलैंड देख लिया, आपको मैंने दीव आइलैंड के बारे में बताया, आपको बचर आइलैंड के बारे में बता दिया, आपको एलिफेंट आइलैंड के बारे में बता दिया, आपको पंबन आइलैंड के बारे में मैंने बता दिया था, आपको व्हीलर आइलैंड के बारे में मैंने बता दिया, पंबन आइलैंड यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था, इट इज अ पार्ट ऑफ आदम ब्रिज या राम सेतु,
एंड इट इज लोकेटेड इन गल्फ ऑफ मन्नार। अब जो है सबसे ज्यादा पॉपुलस आइलैंड इंडिया का सालसेट, और यहीं पर जो है मुंबई सिटी लोकेटेड है गाइस। हम बोलते हैं ना कि मुंबई एक आइलैंड है, तो मुंबई आइलैंड नहीं है, मुंबई एक छोटी सी लोकेशन है जो सालसेट आइलैंड पर बसी हुई है। ओके, इट इज द मोस्ट पॉपुलस आइलैंड ऑफ द एंटायर कंट्री। दिख रहा है क्या? मोस्ट पॉपुलस। अब आपको और भी छोटे छोटे आइलैंड्स का नाम मैं बता दूं, जैसे सिर्फ नाम बताऊंगा, सेंट मैरी, ठीक है, ये है नियर कोस्ट ऑफ मैंगलोर, ठीक है, कर्नाटक वाले पोर्शन में। फिर मैं आपको बताऊंगा क्रॉस आइलैंड, क्रॉस आइलैंड ये जो है इट इज ऑल्सो नियर मुंबई। ओके, ये है कर्नाटक, ये मुंबई, और आपको बताऊं तो वेलिंगटन आइलैंड। आई होप कि आप सबको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा क्या? वेलिंगटन ये जो है, यहां पर इस आइलैंड पर नेशनल हाईवे 48 है, ठीक है, और ये जो है एंटायरली केरला में है, केरल, ठीक है, और ये पूरे देश की सबसे छोटी हाईवे है, सिर्फ 6 किलोमीटर। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि अभी तक बताई गई सारी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर आप हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जाते जाते, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने कर लिया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर ये भी हो गया तो अपने मित्रों के संग इसे भरपूर शेयर कर दीजिए, और बने रहिए मेरे चैनल पे। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।